सुजालपुर में औद्योगिक परीक्षण संस्थान आईटीआई में स्टेनो हिंदी की पूरक परीक्षा में कलेक्टर के वर्तमान प्रभारी स्टेनो को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। बंद कमरे में कलेक्टर के स्टेनो वरुण जोशी इस परीक्षा में छात्र के रूप में शामिल हुए और कलेक्टर शाजापुर के पुराने स्टेनो वीपी लेवे परीक्षण के रूप में कमरे में नकल रोकने की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखे। इतना ही नहीं, अचानक जांच करने वाले उड़न दस्ते का प्रभारी भी शाजापुर आईटीआई के पूर्व प्राचार्य ओपी सोलंकी को तैनात किया गया। खास बात तो यह रही कि परीक्षा में नियमित रूप से सरकारी या निजी आईटीआई में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा के एडमिट कार्ड के अनुसार शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन के स्टेनो वरुण जोशी वर्ष 2020 में शुजालपुर की निजी आईटीआई संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत रहकर 80% दिन कक्षाओं में उपस्थित रहे। वे शुजालपुर में मंगलवार को पूरक परीक्षा देने पहुंचे थे। वे शुजालपुर में पूरक परीक्षा देने आए, परीक्षा शुरू हुई तो कैमरे को देखकर परीक्षा कक्ष का कमरा लगा दिया गया। बाद में कारण बताया गया कि डिक्टेशन के दौरान बाहर के शोर से विद्यार्थियों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कमरा लगाया। कुल 50 मिनट की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट अतिरिक्त समय देने पर मीडिया ने सवाल किया तो कहा बिजली गुल होने से जो समय व्यतीत हुआ वह अतिरिक्त दिया गया। पुराने स्टेनो को परीक्षक बनाकर खुद परीक्षा देने पहुंचे कलेक्टर ने स्टेनो परीक्षार्थी वरुण जोशी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। और परमिशन से ही आया हूँ, ऑफिस में परमिशन से ही आया हूँ। दूसरा, मैं अपेक्स बैंक से अपेक्स कॉलेज से एग्ज़ाम भी मैंने फाइट किया, तो एग्ज़ाम भी देखा हूँ। नहीं, लेकिन आपने अपेक्स में 80% उपस्थिति आपकी बीते सत्र में है, पूरे सत्र में। यस। और कलेक्ट्रेट से भी आपका, यदि आप संविदा पे हैं, प्रतिनियुक्ति पे हैं, जैसे भी हैं, वो उसका भी वेतन निकला है, तो एक एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे उपस्थित हुआ? नहीं, उपस्थिति में ऐसा नहीं है, एग्जाम हर जगह के लिए रहता है। एग्जाम ठीक है, लेकिन बीते दिनों में 80% उपस्थिति आपकी शुजालपुर के अपेक्स में दर्ज है और कलेक्ट्रेट से आपका वेतन निकला है, तो आप कलेक्ट्रेट में उपस्थित रहे या शुजालपुर में? नहीं, हम लोग एग्जाम में उपस्थित रहे, आज का वेतन हमारा नहीं है। नहीं, आज का नहीं, इसके पहले का जब अध्यापन का जो समय था, पूरा सत्र था शिक्षण, रेगुलर वाला नहीं है, इसमें बैक में भी रहते हैं ना सर, इसमें। मतलब आपका ये कहना है कि जो किया है वो सही है और ये इरेगुलर कोर्स है? किस विषय की परीक्षा थी और कितने स्टूडेंट अभी लास्ट बैच में यहाँ शामिल हुए हैं? सर, स्टेनोग्राफी हिंदी की एग्ज़ाम्स चल रही हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, उसमें कल भी पेपर्स हुए थे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 के, और आज 80 WPM डिक्टेशन का पेपर हुआ। शिफ्ट 1 में 11 स्टूडेंट्स थे, शिफ्ट 2 में 8 स्टूडेंट्स थे, और सर अभी शिफ्ट 3 चल रही है जिसमें 3 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। शिफ्ट 3 में वरुण जोशी नाम के स्टूडेंट है जो कलेक्टर के स्टेनो है। ओके। उनकी परीक्षा बंद कमरे में ली गई, जब डिक्टेशन चला था जब बंद किया गया कमरे को, या क्या विशेष व्यवस्थाएं उनके लिए की गई, इस तरह की कुछ बातें सामने आई? नहीं सर, किसी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करी गई है। जब डिक्टेशन दिया जाता है तब उन्हें बाहर से किसी भी आवाज़ का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए गेट लगाते हैं। शिफ्ट 1 में भी हमने गेट लगाकर ही डिक्टेशन कराया था, शिफ्ट 2 में भी वैसे ही कराया था, शिफ्ट 3 में भी वैसा ही कराया। परीक्षक कौन है आज? आज के पर्यवेक्षक जो स्टेनोग्राफर सर आए डिक्टेशन के लिए, बीपी लेवे सर आए शाजापुर से, वो भी पहले कलेक्टर के स्टेनो रहे, पुराना स्टेनो, नए स्टेनो सर, उनकी नियुक्ति हमारे नोडल आईटीआई जो शाजापुर है उन्होंने करवाई है, क्योंकि शुजालपुर में स्टेनोग्राफर अवेलेबल नहीं थे, तो वो अरेंजमेंट वहीं से ही कराया गया है। उड़न दस्ते के प्रभारी भी शाजापुर आईटीआई के पुराने प्राचार्य को बुलाया गया, जबकि अन्य किसी को? उड़न दस्ते का जो ऑर्डर है वो संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन से आया है। बहरहाल सवाल तो ये है कि परीक्षा की पारदर्शिता तय करने के लिए पूर्व स्टेनो व वर्तमान स्टेनो की परीक्षा कक्ष में उपस्थिति पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।